हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल और आज हमारा टेस्ट का सेशन था, ठीक है। कल हमने जो है पहला टेस्ट आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है उसको सॉल्व किया, लेकिन जैसे हमें उम्मीद थी कि आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे वैसा हुआ नहीं, ठीक है। कम से कम अगर आप 50 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए होते तो भी कहते चलो अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों की तरफ से, बट आप लोगों ने वैसा सीरियस लिया नहीं है। फिर भी अब वो तो आप लोगों को डिपेंड करता है कैसा आप लोग करते हो, ठीक है। बट जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, ठीक है, उसको देखते हुए आज जो हमारा टेस्ट दूसरा टेस्ट है, ठीक है, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा आपका हार्ड वर्क रहेगा ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है, और कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए कि देखिए जब तक आप आउटपुट नहीं दे रहे हैं तब तक आपको पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मतलब आप बहुत बड़े, हम हो या आप हो कोई भी हो, बहुत हम लोग लकी पर्सन है एक तरह से कह लो, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अच्छे से, ठीक है, लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही कल वाला सिस्टम, आज भी हम क्वेश्चन और उसके जो ऑप्शंस हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो को पॉज करके जो अपना ऑप्शन है उसको अपने नोटबुक में मार्क कर लेना, और उसके बाद में अपना जो हो तो आप लोग कोशिश करिए कि एक लोग जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है वहीं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग जो ऑप्शन बता रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, बस केवल आप कितना अटेम्प्ट किए हो, आउट ऑफ 20 कितने आपके क्वेश्चन सही हैं, बस आपको वो बताना है ईमानदारी के साथ, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट में नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को जो है बारीकी से ध्यान रखना कि आप लोग जितना आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो ये आपको वहाँ लिखना है, ताकि हम समझ सकें कि हाँ मतलब इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनका ये रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, अपने अभिषेक के 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन बी, अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में धम्म यात्रा प्रारंभ की। ऑप्शन सी, अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, ठीक है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी, माधवराव। ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन डी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया। ऑप्शन ए, 1175 ईस्वी से 1194 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, 1150 ईस्वी से 1200 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है, सैंधव सभ्यता के बारे में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, नाव एवं बैलगाड़ी आंतरिक परिवहन के साधन थे। ऑप्शन बी, हड़प्पा व चन्हुदड़ो में धातु की बैलगाड़ियों के सवार युक्त मॉडल मिले हैं। ऑप्शन सी, तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था। ऑप्शन डी, कालीबंगा की कब्रों से सती प्रथा के उदाहरण मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वंश चरितावली नामक पुस्तक के लेखक हैं, वंश चरितावली नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी तुलसीदास। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ऑप्शन ए 1928 कलकत्ता, ऑप्शन बी 1920 नागपुर, ऑप्शन सी 1937 फैजपुर, ऑप्शन डी 1940 रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए उपज का 55% भाग लगान के रूप में सरकार को देना पड़ता था, ऑप्शन बी लगान का निर्धारण व्यक्तिगत रूप से नहीं होता था, ऑप्शन सी किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, ऑप्शन डी रैयत व सरकार के मध्य कोई बिचौलिया या जमींदार वर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात की गई? ऑप्शन ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल, स्टेटमेंट नंबर 2, इल्बर्ट बिल विवाद, स्टेटमेंट नंबर 3, भारत में प्रथम जनगणना, स्टेटमेंट नंबर 4, बंगाल विभाजन। ऑप्शन है 3124, ऑप्शन बी 3241, ऑप्शन सी 2134 या ऑप्शन डी 1342। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार को सुझाव दिया? ऑप्शन ए अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक संजीवनी, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन ने अस्थाई केंद्रीय सेना का गठन किया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लागू की, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने दाग व हुलिया प्रथा चलाई, ऑप्शन डी अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने मुस्तकरात का गठन किया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए शिल्पादिकारम, ऑप्शन बी मणिमेखले, ऑप्शन सी जीवक चिंतामणि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? निम्नलिखित में से किस पत्र ने सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध तीव्र अभियान संचालित किया? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी बंगदूत, ऑप्शन सी समाचार दर्पण, ऑप्शन डी समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क की गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है, तैतृय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाऊ का वर्णन है, ऑप्शन सी कठोपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है, ऑप्शन डी कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने INA कैदियों के पक्ष में चलने वाले लाल किले में मुकदमे की पैरवी की? ऑप्शन ए आशफ अली, ऑप्शन बी सॉरी स्टेटमेंट में है स्टेटमेंट नंबर 1 आसफ अली, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भोला भाई देसाई, स्टेटमेंट नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू और स्टेटमेंट नंबर 4 तेज बहादुर शपरू। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से जो है वो मिलान करना है, ठीक है। ए में है प्रफुल्ल चाकी, बी सुखदेव, सी अशफाक उल्ला खां और डी मास्टर सूर्यसेन। और सूची दो में दिया गया है वो जो कांड हुआ था, इस जो इसमें दिया गया सूची एक में वो कौन से जो व्यक्ति हैं वो किस कांड से रिलेटेड थे उसको आपको मैच करना है। सूची दो में है लाहौर षड्यंत्र, काकोरी कांड, चटगांव, आर्मरी रेड या मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, ठीक है। तो आपको जो है इसको मैच करना है। ये रहा आपका फुल स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है 1432, 4132 या 4123 या 1423। नेक्स्ट निम्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 लाहौर षड्यंत्र केस, स्टेटमेंट नंबर 2 वायकुम सत्याग्रह, स्टेटमेंट नंबर 3 काकोरी कांड या स्टेटमेंट नंबर 4 नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853 या ऑप्शन डी भारत शासन एक्ट 1858। नेक्स्ट
और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सही कालानुक्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, सही कालानुक्रम क्या होगा? ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट बुड्स डिस्पैच, स्टेटमेंट नंबर 2 हंटर कमेटी, स्टेटमेंट नंबर 3 हर्टोंग कमेटी, या स्टेटमेंट नंबर 4 शेडलर आयोग। ऑप्शन ए 1432, ऑप्शन बी 1234, ऑप्शन सी 1243, ऑप्शन डी 1324। तो ये रहा दोस्तों आज के सेशन का 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है, स्टेट से जुड़ेंगे और अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल की है। ठीक है, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रत्येक क्वेश्चंस के जो है ऑप्शन कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने आउट ऑफ 20 में से क्वेश्चन सही कर पाते हो, ठीक है, उसको आपको कमेंट में जो है लिखने की ज़रूरत है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो हम लोग आपको दे रहे हैं उससे आपको कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, तो क्या आप उसको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ठीक है, इसलिए सडनली ये जो है ये सरप्राइज टेस्ट हुआ था। और आप लोगों को एक बात मैं और बता दूँ कि जब आप उत्कर्ष सर आएंगे, ठीक है, तो बहुत जल्द जो है वो आप लोगों का जो है लाइव टेस्ट भी लेने वाले हैं। ठीक है, जो लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 14 और 15 सितंबर में लगा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो, और साथ साथ में जो पीसीएस का है उसके लिए लाइव टेस्ट भी, 4-5 टेस्ट जो है वो फुल टेस्ट लगभग 50 या 100 क्वेश्चंस के होंगे, उनको भी वो लेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए, और चूँकि अब ये जो समय है यही आप लोगों के जो है करियर को किस दिशा में ले जाना है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।